हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल. ओके, आई एम आशा पटेल, योर न्यू टीचर ऑफ कंप्यूटर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. इट्स नेम इज मोर ऑन MS पॉइंट 2010. क्या नाम है चैप्टर का? मोर ऑन MS पावर पॉइंट 2010. लेट्स सी थिंकिंग ब्लॉक्स. Selecting a layout for a blank presentation, working with text boxes, formatting text, creating a new presentation using themes, running a slideshow, viewing a presentation, adding graphics to a presentation, enhancing the slideshow. चैप्टर नंबर 5 MS पावरपॉइंट 2010 में हम क्या क्या करने वाले हैं. एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए लेआउट कैसे सिलेक्ट किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ वर्क कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन में थीम्स कैसे यूज़ की जाती है, कैसे न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है थीम्स यूज़ करके, रनिंग अ स्लाइड शो को कैसे रन किया जाता है, ग्राफिक्स कैसे ऐड किए जाते हैं प्रेजेंटेशन में, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन MS पावर पॉइंट 2010 में पढ़ने वाले हैं. यू कैन स्टार्ट MS पावर पॉइंट बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010. हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते हैं स्टार्ट बटन दिया हुआ था. स्टार्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा? ऑल प्रोग्राम. देखिए ऑल प्रोग्राम, यहाँ से ये लिस्ट ऊपर ओपन हो गई है. ठीक है, ये लिस्ट ऊपर ओपन हो गई. इस लिस्ट में एक जगह दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस दिया होगा. तो आपको इस पिक्चर में MS ऑफिस सेलेक्ट करना है. आप जैसे ही MS ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट ओपन हो जाएगी. ये लिस्ट जैसे ही ओपन होगी तो आपको इस लिस्ट में सर्च क्या करना है, MS पावर पॉइंट 2010. और आप जैसे ही MS पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे तो आपका MS पावर पॉइंट 2010 ओपन हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है कि MS पावर पॉइंट 2010 कैसे ओपन करते हैं? ओके, अभी हम देखते हैं. अ विंडो ओपन विथ अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन टाइटल प्रेजेंटेशन. जैसे MS पावर पॉइंट ओपन होता है, आप जैसे उसे ओपन करेंगे तो एक विंडो ओपन होता है जिसमें क्या है, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है. तो उस पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन वन नाम दे दिया गया है. द स्लाइड पेन डिस्प्ले अ स्लाइड कॉल्ड द टाइटल स्लाइड. जैसे ही ओपन होता है तो स्लाइड पेन पर एक स्लाइड डिस्प्ले होता है, इसको हमने क्या कह दिया है, टाइटल स्लाइड. द टाइटल स्लाइड हैज टू प्लेस होल्डर्स होते हैं. यू कैन क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू टाइप टेक्स्ट. आप इस टेक्स्ट होल्डर पर क्लिक करेंगे, प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे तो कर्सर आपको यहाँ पर दिखेगा. जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो कहाँ पर टाइप होगा, जिस भी प्लेस होल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो टेक्स्ट टाइप होने लग जाएगा. इतना क्लियर है? ओके, सिलेक्टिंग अ लेआउट फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए लेआउट कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये इस पिक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. इन पिक्चर्स की हेल्प से हम देखने वाले हैं. यू कैन सिलेक्ट अ लेआउट फॉर द स्लाइड्स दैट यू वांट टू ऐड आफ्टर द टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड का हो गया, टाइटल स्लाइड में कैसे टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी आपको स्लाइड को नाम देना है, लाइक प्रेजेंटेशन वन जैसे हमने दिया था, उसके अलावा आपको जो भी नाम देना है आप वो नाम देंगे. उसके बाद आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, जो भी लेआउट आपको ऐड करना है, जो भी आपको स्लाइड के लिए सिलेक्ट करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं. अ स्लाइड लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स ऑन अ स्लाइड यूज टू ऐड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. स्लाइड लेआउट क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था कह सकते हैं, एक अरेंजमेंट हो सकता है. किसके लिए होता है, प्लेस होल्डर्स के लिए. स्लाइड की प्लेस होल्डर्स के लिए एक अरेंजमेंट होता है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप टेक्स्ट एंड पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं. ओके, टू ऐड अ लेआउट फॉर अ स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स. आपको लेआउट, अगर किसी स्लाइड पर लेआउट ऐड करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी, ये हमें नीचे
दी गई हुई है। सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, सिलेक्ट अ स्लाइड फॉर विच यू वॉन्ट टू एड अ लेआउट। सबसे पहले तो आपको वो स्लाइड सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आप लेआउट एड करना चाहते हैं। स्टेप टू, क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पर जाकर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये होम टैब दी हुई है छोटी सी। होम टैब पर आप क्लिक करेंगे, होम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें क्या क्या होगा, स्लाइड्स ग्रुप। वहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप से जाकर आपको क्या करना है, लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ स्लाइड लेआउट्स अपीयर्स, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। थर्ड स्टेप हम देखते हैं, क्लिक ऑन द डिजायर्ड लेआउट। आपको लिस्ट जैसे ही ओपन होगी वहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स दिए रहेंगे, आपको एक लेआउट सिलेक्ट करना है जो कि आप आपकी स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो। आपकी स्लाइड को वहाँ पर जो जिस लेआउट पर क्लिक करोगे आपकी स्लाइड आपको उस फॉर्म में दिखेगी, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है वहाँ से आप वो लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सभी को, ये समझ आ गया है कि कैसे लेआउट सिलेक्ट किया जाता है स्लाइड के लिए। नेक्स्ट है वर्किंग विथ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के साथ कैसे वर्क करता है, यू कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड इफ़ यू नीड टू। अगर आप आपकी स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है और आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स टू प्लेस टेक्स्ट एंड पिक्चर्स वेर एवर यू वॉन्ट। आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एंड पिक्चर्स के लिए, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट किया जाता है स्लाइड में ये हम देखते हैं। टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स फॉलो दिस स्टेप्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है ये हम देखते हैं। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। होम के बाद होती है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, देन स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स इन द टेक्स्ट ग्रुप। फिर किस पर क्लिक करना है, ये बॉक्स जो लिस्ट नीचे ओपन होगी उसमें आपको किस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पर। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, देन स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द साइड और टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स विद द कर्सर इन साइड इट। क्लिक ऑन द स्लाइड, जिस स्लाइड पर आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है उस स्लाइड पर क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स विद द कर्सर इन साइड इट। जिस भी आप स्लाइड पर क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कर्सर दिखाई देगा। कर्सर समझते हो ना, कैपिटल आई जैसा एक कर्सर, ब्लैक लाइन होती है। ओके, स्टेप फोर, टाइप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। आपको जो भी टाइप करना है तो वहाँ पर कर्सर दिखेगा, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। द साइज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स विल इंक्रीज एज यू टाइप। और टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आप टाइप करोगे उस हिसाब से टेक्स्ट का साइज, सॉरी आपका जो बॉक्स रहेगा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप फोर लेटर्स टाइप कर रहे हैं फोर, तो वो साइज उस हिसाब से हो जाएगा। अगर आप मोर देन फोर लेटर्स टाइप कर रहे हो तो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेन बॉक्स, अ प्लेस होल्डर इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्लाइड लेआउट। प्लेस होल्डर क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स का ही रूप होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्लाइड लेआउट का एक पार्ट होता है। चलिए ये समझ आ गया है कि टेक्स्ट बॉक्स को आप कैसे यूज़ करना है एमएस पावर पॉइंट में। नाउ नेक्स्ट क्या है, मूविंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को कैसे मूव किया जाता है, टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स फॉलोइंग दिस स्टेप्स। टेक्स्ट बॉक्स को मूव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट और डॉटेड आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स अपीयर। जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डॉट लाइन दिखेगी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, देखिए पिक्चर में ये डॉट लाइन आपको देगी। स्टेप टू, प्लेस द कर्सर ऑन द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक। कर्सर को आपको लेकर जाना है कहाँ पर, आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक। टेक्स्ट बॉक्स की जो डॉट डॉट वाली आउटलाइन होगी उस पर आपको क्या करना है, कर्सर को
वहाँ पर लेकर जाना है. द आउटलाइन चेंजेस टू अ सॉलिड लाइन. जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो वो डॉट डॉट वाली लाइन क्या है, सॉलिड लाइन में चेंज हो जाएगी. नॉट दैट द कर्सर चेंज टू क्रॉस विथ एरोज. और आपको क्या करना है, एरोज की हेल्प से आप उसको चेंज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया है आप लोगों को, ये आप ट्राई करके देखिएगा. देन स्टेप 3 क्या है, क्लिक एंड होल्ड द माउस एज यू ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स टू अ न्यू पोजिशन. रिलीज द माउस बटन व्हेन द टेक्स्ट बॉक्स इज द डिजायर पोजिशन. आपको यहाँ था, देखिए लास्ट पिक्चर में क्या था, यहाँ था. तो आपको उस एरो पर कर्सर ले जाकर आपको क्या करना है, माउस बटन को उस साइड लेकर जाना है जहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स को रखना है, मतलब एक नई जगह पर. जैसे लास्ट पिक्चर में क्या था, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर रखा था, देखिए टेक्स्ट बॉक्स इस साइड था. एंड नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए उसे मूव करके टेक्स्ट बॉक्स ले गया, यहाँ पर ले गया है न्यू पोजिशन पर. ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, उस एरो पर क्लिक करके आपको जिस साइड ले जाना है उस साइड आपको उस कर्सर को मूव करना है, उस पॉइंटर को मूव करना है. तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो उस साइड मूव हो जाएगा. डिलीटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. टू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स देन प्रेस द डिलीट की. आपको अगर टेक्स्ट को डिलीट करना है तो पहले आप उस टेक्स्ट को क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, उसकी जो बॉर्डर रहेगी उस पर क्लिक करेंगे. उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन प्रेस द डिलीट की. उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, कीबोर्ड में डिलीट की दी हुई रहती है तो आपको डिलीट की प्रेस करना है, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा डिलीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इतना पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, क्योंकि स्कैनर आपके लिए एक, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है आज का, आप इसे सॉल्व करिएगा और मुझे व्हाट्सअप करिएगा. सभी के व्हाट्सअप पर मैं ये जैसे वीडियो लिंक आएगी तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये होमवर्क मुझे वापस से व्हाट्सअप पर भेजना है और नीचे आपका नाम लिख कर देना है. आपका होमवर्क क्या रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड. ये अभी हमने पढ़ा था कि स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हमने चारों स्टेप्स पढ़ी थी. ये चारों स्टेप्स को उन्होंने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, अरेंज नहीं है. मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, सेकेंड स्टेप क्या होनी चाहिए, अरेंज नहीं है. तो इसे आपको अरेंज करके पहले स्टेप 1 लिखना है, स्टेप 2 लिखना है, स्टेप 3 लिखना है, स्टेप 4 लिखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.